आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HCL Tech के Q1 के प्रीव्यू के बारे में, रिजल्ट प्रीव्यू के बारे में, प्लस शेयर का टारगेट एक दिग्गज ब्रोकर ने क्या दिया है। मेरा टारगेट नहीं है ये, उन दिग्गज ब्रोकर का टारगेट है या जो कंपनी है उनका टारगेट है, तो उनका क्या टारगेट है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या रिजल्ट आ सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ऑब्वियसली आपको करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और शेयर भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हमारा वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जावे। उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें सबसे पहले Q1 के प्रीव्यू के बारे में, उसके बाद हम शेयर प्राइस की भी बात करेंगे। HCL Tech Q1 प्रीव्यू, एनालिस्ट सी 6 to 10 11% ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ। पैट ग्रोथ यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वैक्स एक्सपेंस एक्सपेंस सब करने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट आएगा उसमें 6 से 11% का ग्रोथ आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। डिटेल में अगर हम चर्चा करें तो जून Q1 का जो आएगा, ड्यू टू कोविड थोड़ा सा आपको जो सेकेंड वेव आया था उसके चक्कर में थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है, जो कंपनी का रेवेन्यू है जहां से कंपनी मतलब जो कमाएगी उसमें 1.6% to 2% कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा ग्रोथ ऐसा देखने को मिल सकता है। नेट प्रॉफिट जो पैट होगा वो 6 से 11% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, एंड 14% ग्रोथ इन रेवेन्यू। रुपीस टर्म्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में 14% का ग्रोथ आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। डील विन मोमेंटम ऑल्दो इज लाइकली टू कंटिन्यू, HCL Tech इट्स स्टेट Q1 नंबर ऑन मंडे, तो मंडे यानी कल Q1 के इसके नंबर आने वाले हैं। डबल डिजिट ग्रोथ आती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो ये सब जो बताया गया है, ये सब क्या सब बताया गया है, आई गेस बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज के ऊपर आया है ये। बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो। नोमरा ने भी कहा है कि 8.1% का Q1Q आपको ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल सकता है और 9% का ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल सकता है। नेट प्रॉफिट जो है वो 3,200 करोड़ के आसपास रह सकता है, और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 2,925 करोड़ था, तो उसके मुकाबले अब की बार 2,962 करोड़ के आसपास का आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो बताया जा रहा है ग्रोथ अच्छा बताया जा रहा है, 8 से 10% का आपको कंपनी के प्रॉफिट में, मैं प्रॉफिट की बात करूं रेवेन्यू के लिए, प्रॉफिट में सब कुछ खत्म करने के बाद टैक्स वैक्स एक्सपेंस एक्सपेंस काटने के बाद कंपनी को 8 से 10% का प्रॉफिट बताया जा रहा है। और इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओगे तो ICICI डायरेक्ट ने 1110 का टारगेट दिया है HCL टेक्नोलॉजीज के लिए। ये टारगेट आई गेस जुलाई 16 को दिया गया था, तो 2 दिन पहले का ही टारगेट इन्होंने दिया है। तो कंपनी ने कहा है कि 1110 के प्राइस के आसपास ये आ सकता है, जबकि करंट मार्केट प्राइस 1,000 रुपये थी जब ये टारगेट दिया गया था आई गेस। और अभी की भी बात करो तो आई गेस जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो मेरे ख्याल से 1,004 के आसपास ही चल रही है, तो 1,004 1,010 के आसपास ही चल रही है। तो यहाँ से करीब करीब 100 रुपये का मूव, यानी यहाँ से करीब करीब आपको 10% से ज़्यादा का टारगेट दिया है ICICI डायरेक्ट ने। तो जो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए लेते हैं आई गेस अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने दिया होगा तो देखते हैं। FIIs की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 60.3% का स्टेक है एज ऑफ जून 30, वाइल FII हेल्ड्स 25.6%। तो 60% प्रमोटर के पास, 25% FIIs के पास, DIIs के पास 10% और पब्लिक के पास 4%। तो जिसके अंदर जो डोमेस्टिक जो पब्लिक है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, उनका काफी कम स्टेक आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, सिर्फ 4 से 5% है, जबकि जो मेजॉरिटी स्टेक है वो प्रमोटर, FII और DIIs, ये तीन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, मतलब प्रमोटर तो खुद की कंपनी हो गई, FIIDI इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है उनके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग आपको आती हुई देखने को मिल रही है। तो करीब करीब 35% की होल्डिंग इनके पास है, 60% प्रमोटर के पास है, तो पब्लिक के लिए काफी कम है, और है भी प्रमोटर की, पब्लिक की होल्डिंग काफी कम है। तो ऐसे शेयर्स में मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम हो और इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग ज्यादा हो, तो वहाँ पे थोड़ा सेफ्टी भी रहता है और उसी के साथ साथ आपको जो ग्रोथ मिलती है ज्यादा अच्छी मिलती है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी ग्रोथ की कंपनी के लिए देखते हैं। और ICICI डायरेक्ट ने टेक महिंद्रा का 1200 का टारगेट दिया है, L&T का 4000, इन्फोटेक का 4580 का दिया है, और टाटा कंसल्टेंसी TCS का 3800 का दिया है। तो ये कुछ और आर्टिकल्स है जो आप इनकी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो। तो ये था HCL Tech के बारे में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसके ऊपर हम कल जब रिजल्ट आएगा डिटेल में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।